नमस्कार, मैं अमलिंद पाल लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर राइटर पेरेंटिंग कोच हूँ। डिप्रेशन से कैसे हो रहे हैं, लक्षण कारण और बचाव। साथ ही चूँकि मैं अपने निजी जीवन में काफ़ी समय तक डीप डिप्रेशन में रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस भी आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले लक्षण, डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये शरीर का नहीं मन का रोग होता है। जैसे हमारे शरीर में सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाता है तो हमें से अधिकतर लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, वहाँ से मेडिसिन ले आते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। कुछ हमारे परिजन और मित्र भी राय देते हैं कि तुलसी का काढ़ा पी लो, दूध में हल्दी डाल के पी लो वगैरह वगैरह। लेकिन डिप्रेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि रोगी को ही पता नहीं होता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। जो जागरूक लोग समझदार लोग होते हैं, एक निश्चित समय के बाद उनको ये आभास हो जाता है कि मुझे डिप्रेशन हो चुका है। डिप्रेशन का सबसे पहला लक्षण ये है कि जो काम व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, उसका अपने उस प्रोफेशन में काम मन लगना बंद हो जाता है, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। फिर धीरे धीरे वो एकांकीपन में हो जाता है, उसको अकेले में अच्छा लगने लगता है, दोस्तों से दूरी बना लेता है, हंसने वाली बातों पर उसको हंसी नहीं आती है और ज़्यादातर समय वो अकेले में व्यतीत करना पसंद करता है और उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते रहते हैं। ये डिप्रेशन की पहली पहचान है। उसको लगता है कि मेरा जीवन खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा और ऐसा हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आते रहते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिविटी और हो जाती है कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसके मित्र हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, बजाय सपोर्ट के वो उसके साथ और नेगेटिविटी फैलाते हैं। अरे देखो, अच्छा खासा आदमी था और उसका मन नहीं लगता है, पता नहीं क्या हो गया है। और ये जो कहना पता नहीं क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं वास्तविकता होती है, लेकिन ये तो न तो रोगी को पता है न परिजन को पता है। तो रोगी को दो मोर्चों पर लड़ना होता है, एक तो वो अंदर से लड़ रहा होता है डिप्रेशन के साथ, दूसरे लोग उस पर व्यंग कसते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं, तो वो उसके लिए और परेशानी हो जाती है। तो ये तो हो गई लक्षण। लक्षण में सबसे पहले मैंने बताया मन ना लगना, अकेले में रहना, अधिकतर नेगेटिव थॉट्स आना, हंसी वाली बात पर भी ना हंसना, चिड़चिड़ा होना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, बहुत अधिक खाना या बिल्कुल नहीं खाना, किसी बात पर उत्तर देना नहीं देना, इस तरह की उसकी मानसिकता हो जाती है। अब जब ये पता लग गया कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में है, या मुझे पता लग गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो अगले स्टेप इसका है कि कारण क्या होते हैं। डिप्रेशन होने के मेरा स्ट्रांगली बिलीव ये है कि सबसे प्रमुख कारण है इमोशनली अटैचमेंट। हर व्यक्ति की इमोशनल हेल्थ जो है वो अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और कुछ भावुक नहीं होते, लेकिन मैंने ये देखा कि जो डिप्रेशन में जाते हैं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भावुक होते हैं। फिर वो अटैचमेंट चाहे अपने पिता से हो, माता से हो, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, प्रेमी अथवा प्रेमिका, अथवा ऐसे सपने जिनकी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और पता लगा कि अब वो पूरे नहीं हो सकते, ज़िंदगी में अचानक कोई बहुत बड़ी घटना घट जाना, नेगेटिव घटना घट जाना, ये डिप्रेशन के कारण होते हैं। और इसमें मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि इमोशनल अटैचमेंट वाले व्यक्ति डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे फादर के साथ बियॉन्ड द बर्ड्स रिलेशन थे और मेरे बड़े ख्वाब थे उनके साथ ये सब करने के, कि मैं कुछ उनके लिए करूं। वो मेरा मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक आया, वो आईसीयू में 10 दिन रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो मेरा मन ये मान नहीं पाया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और वो जो चीज़ें मैंने उनके साथ करने के लिए, व्यतीत करने के लिए इकट्ठी की थी, वो मुझे बार बार स्ट्राइक होती रहती थी। और मेरा मन कहीं ना कहीं ये करता था कि मैं इसमें दोषी हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। और इस तरह से मैं डीप डिप्रेशन में चला गया। तो इमोशनल अटैचमेंट में जब कहीं स्ट्रिक होती है, जैसे कोई रिलेशन ब्रेक हो जाता है, जनरली प्रेमी प्रेमिका के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, और कहीं ऐसी घटना हो गई कि किसी बच्चे की डेथ हो गई, इस तरह की घटना में वो माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करती है और व्यक्ति डीप डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये रहे इसके कारण। कारण में मैं फिर बता दूँ, इमोशनली अटैचमेंट, बाकी और कारण है लेकिन प्रमुख कारण ये है। अब आते हैं फटाफट बचाव, जो सबसे इस वीडियो का निचोड़ है। उससे पहले अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल बातों के बता से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए, क्योंकि लाइक कमेंट करने से हमें प्रेरणा मिलती है और हमें लगता है कि अपने एक्सपीरियंसेस को और शेयर करें। अब बचाव की बात आती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा मेडिकल साइंस में माना जाता है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक रसायन होता है जो हमारी प्रसन्नता के लिए जिम्मेवार होता है।
जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो डोपामिन हमारे दिमाग में हमारे मन में ज़्यादा रिलीज होता है। जितना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा हम उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, और जब डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति उदास रहना शुरू कर देता है, ऐसा मेडिकल साइंस में माना जाता है। तो जब आपको पता लग गया आप डिप्रेशन में हो गए तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। जनरली डॉक्टर्स एंटी डिप्रेशन की दवा देते हैं, और मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि अकेली दवाओं से आप ठीक नहीं हो सकते, आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। पर्सनल लाइफ में बताऊं कि मैं डिप्रेशन की बहुत सारी मेडिसिन तो लेके आया, लेकिन मैंने मेडिसिन खाई नहीं, मेडिसिन ली नहीं। मुझे ये था कि मुझे अपने दम पर लड़ना है, मुझे ये तो पता था कि मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने मेडिसिन फेंक दी और मैं अपने दम पर लड़ा। इसमें एक चीज़ काम में आ जाती है कि इसमें आपको अपनी एक मोटिवेशन तलाशना चाहिए, एक इंस्पायरेशन तलाशना चाहिए कि किस चीज़ से अटैचमेंट है। जैसे उस समय मुझे ये लगता था कि यार मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। जब मैं डीप डिप्रेशन में था तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मेरे काम में मन लगना बंद हो गया, मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे। शाम को सोने से पहले मुझे ये लगता था कि अब तो ख़त्म है सब कुछ और इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। और यहाँ तक मैंने अपनी वाइफ के साथ ये सब शेयर किया, और उससे भी मैं अक्सर ये कहता था कि यार मेरा तो अब जो भी है मैं तो शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा, बच्चों का क्या होगा। तो ये जो मन में थी कि बच्चों का क्या होगा, वहाँ से मुझे एक इंस्पायरेशन मिला। तो वो इंस्पायरेशन सबसे पहले अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो आपको ढूंढना चाहिए। सबके अलग अलग हो सकते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपको ये लगे यार मेरे जाने के बाद ये समस्या हो सकती है, वो आपकी दवा से ज़्यादा काम करे। फिर आप नेचर के नज़दीक आइए। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, इस डिप्रेशन में जो मास्टर स्ट्रोक है, जो मास्टर पीस है, वो है नशा न करना। मैंने पूरे डिप्रेशन के दौरान कभी नशा नहीं किया, और बड़ा उल्टा है, जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, जब भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो सबसे पहले नशे की ओर भागते हैं। उसके यार दोस्त मिलने वाले भी कहते हैं अरे यार तेरा मन सही नहीं चला, आज पी लेते हैं। लेकिन नशा करने से आपको तत्कालिक थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन वो थोड़े समय बाद आपके डिप्रेशन को बढ़ाएगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो लोग डिप्रेशन में सुसाइड करते हैं उनमें से अधिकतर लोग वो होते हैं जिन्होंने डिप्रेशन से पहले बहुत ज़्यादा नशा कर रखा हो। तो नशे से बचना डिप्रेशन के लिए बहुत आवश्यक है, और इस रोग से बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, दीपिका पादुकोण डिप्रेशन की पेशेंट रही, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन से सुसाइड कर लिया, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल्स, बहुत लोग डिप्रेशन से पेशेंट होते हैं, और ये किसी भी उम्र में किसी को हो सकता है। तो हम बचाव की बात कर रहे थे, बचाव की बात में मैंने कहा कि इंस्पायरेशन ढूंढिए, क्या है आपका मोटिवेशन, नशे से दूर रहिए, प्रकृति के नज़दीक आइए। और जो मैंने अपनाई वो ये है कि शॉपिंग थेरेपी, आपका मन क्या करने के लिए करता है वो आप करिए। मेरी उस समय फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने जम के शॉपिंग की, ये खरीदना वो खरीदना, क्योंकि उस समय आवश्यक ये रहता कि आप अपने मन को कितना बांट पाते हो, अपने मन को आप कितना डाइवर्ट कर पाते हो पॉजिटिविटी की ओर। तो आप प्रकृति झरनों की देखिए, आप नदियों के बारे में बात करिए, अच्छे अच्छे चीज़ों पर करिए, यह संभव हो तो कहीं घूम आइए। और इसमें सबसे ज़्यादा काम आते हैं आपके परिजन और मित्र। परिजनों को चाहिए कि वो आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करें, वो कहें कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके साथ हैं और ये रोग धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे मुझे थोड़ा मेरे परिजनों ने सपोर्ट किया। और इसमें जो आपके बहुत पुराने मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि जो कहीं ना कहीं आपसे छोटे हैं, छोटे मतलब पैसे में छोटे हैं, आपसे अहदे में छोटे हैं और आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, वो आपके काम आ जाएंगे। वो आपसे कहेंगे कि यार क्यों चिंता करता है और हम तुम्हारे साथ हैं। जो आपके बहुत बड़े प्रोफाइल वाले अधिक पैसे वाले लोग हैं, मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने देखा कि वो आपसे सिंपैथी तो कर देंगे, अरे हाँ यार ये ठीक नहीं है, लेकिन वो शायद मैं साथ हूँ ऐसा शब्द कहने में भी उनको दिक्कत आती है। तो ये बहुत बड़ा आवश्यक है कि आप नेचर से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, अपने आप को व्यस्त रखिए एकांकीपन से, चूँकि इसमें एकांकीपन बहुत अच्छा लगता है, अकेले में बड़ा अच्छा मन करता है, लेकिन आप एकांकीपन की बजाय जहाँ मन करे वहाँ जाइए, जैसा मन में आए वैसा करिए, तभी आप डिप्रेशन से उबर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर आप इसमें डूब जाएंगे, और यदि डूब जाएंगे तो फिर इसका कोई चारा नहीं। मैंने बता दिया, अकेले एंटी डिप्रेशन या जो भी आप दवा ले रहे हैं उससे डिप्रेशन से नहीं उबर सकते। डिप्रेशन से उबरने के लिए आपको अपनी इनर पॉजिटिविटी है उसको उबरना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जिनकी कहीं ना कहीं रुचि उसमें रही है, उनको इस रोग में बल मिल जाता है। तो यदि आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उस समय, हालांकि इसमें भाषण देना बहुत आवश्यक, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनरली पेशेंट के साथ बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को जानता है, कोशिश करने पर भी नहीं कर पाता, उसको अकेले में ही अच्छा लगता है। लेकिन
आपको लड़ना होगा और जीतना होगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।